नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट खबरें देते रहे। दोस्तों, इंडियन टी20 लीग 2019 में एक भी मैच जीतने में नाकाम रही राजस्थान रॉयल्स और बेंगलोर की टीमें आज यहाँ एक दूसरे को पछाड़ कर टूर्नामेंट में जीत का अपना खाता खोलने के इरादे से उतरेंगी। दोस्तों, दोनों ही टीमों का इंडियन टी20 में अब तक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और अपने अभियान में नई जान फूंकने के लिए इन्हें जीत की ज़रूरत है। दोस्तों, बेंगलोर की टीम भी टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। कप्तान विराट कोहली ने स्वीकार किया है कि रविवार को हैदराबाद के खिलाफ टीम की हार उनकी सबसे बदतर हार में से एक है। दोस्तों, बेंगलोर टीम के पास निश्चित तौर पर ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो राजस्थान को पछाड़ सकते हैं। टीम के पास कप्तान कोहली के अलावा एबी डिविलियर्स, पार्थिव पटेल, मोइन अली और सिमरन हिटमैर जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तीन में से दो मैचों में उसका बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह विफल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आरसीबी टीम के साथ मार्कस स्टोनिस और नेथन कुल्टर नाइल भी जुड़ चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आज के मैच में उन्हें मौका दिया जाता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, सीधी तौर पे बात करें तो आरसीबी के लिए आज का मैच काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आरसीबी टीम आज का मैच हार जाती है तो प्लेऑफ की राह काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आरसीबी के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और ये पाने के लिए उन्हें आने वाले 7 मैचेस जीतना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आरसीबी टीम 8 मैचेस जीत जाती है तो आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन आरसीबी टीम 7 मैचेस भी जीतती है तो उसे प्लेऑफ में जाने की उम्मीद रहेगी। दोस्तों, टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर एक खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी, टीम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तभी प्लेऑफ की राह मिल सकती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।